तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज जो कि हमारा सबसे जो कि गंभीर मुद्दा है, जो आपने थंबनेल देख लिया है कि 2 मार्च को जो कि हमें रैली करनी है अपने हक के लिए। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हमने हमारे पूर्वजों ने और हमने पहले इस राज्य को बनाने के लिए हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई। मुजफ्फरपुर गोलीकांड हो, चाहे खटीमा गोलीकांड हो, चाहे मसूरी गोलीकांड हो, चाहे आपका जो कि श्रीनगर सुरेंद्र टापू कांड हो, हमारे पूर्वजों ने और हमने उत्तराखंड बनाने के लिए जो कि काफ़ी संघर्ष किया। जो अब हम भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो हमारा मेन मुद्दा आता है कि रोजगार के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले साल भी युवा शक्ति ने जो कि 9 फरवरी को क्या हुआ था, याद होगा जो भाई वो वीडियो देख रहे हैं कि 9 फरवरी को क्या हुआ था। तो देखिए क्या हुआ था कि हमने उस साल भी रैलियां की, जिस कारण 2023 जो कि भर्तियां आई, वेटिंग आई, नकल विरोधी कानून आया, लेकिन क्या काम उसका जो कि ये धरातल पे नहीं ले आ पाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि काम भले काम सरकार ने अच्छे किए हैं, काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन वह अगर अनाउंस करते हैं तो भर्तियाँ क्यों नहीं देती। तो बात ये होती है कि सरकार, हमने देखे कोद कोदू जंगल खाएंगे लेकिन पहाड़ में बच जाएंगे। हमारा जो कि पूर्वजों ने यही कहा था कि हमें उत्तराखंड चाहिए, हमें ऐसा ही उत्तराखंड। 23-24 साल हो गया आज उत्तराखंड को बने, लेकिन सरकारें क्या कर रही, गोल मरोड़ कर रही, ना रोजगार दे रही है, रोजगार दे भी रही तो भर्तियों में धांधली दे रही, प्लस अब इन्होंने 25% वेटिंग का प्रावधान भी खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए आप जो कि जरूर परेड ग्राउंड देहरादून जाएंगे। पहले ये देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं सरकार का। तो देखिए, सरकार युवा शक्ति को मिल रहा है समृद्धि के लिए खुल रहे नए द्वार। तो देखिए, उत्तराखंड पुलिस में भर्ती किए गए 1134 आरक्षी। तो देखिए, 1134 लोग भर्ती किए गए, महिला और पुरुष मिला के। तो आपकी 387 पोस्ट कहाँ गई? आप बोल रहे हैं कि 94 पदों पर वेटिंग निकालेंगे। पहला मुद्दा तो हमारा ये रहेगा जो कि 2 मार्च को जो कि उत्तराखंड में जो कि परेड ग्राउंड में जो रैली होने वाली। तो देखिए, ये तो आपने देख लिया, ये आपके सामने मुख्यमंत्री धामी जी भी हैं। मैं किसी सरकार को या किसी को मैं टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ, मैं छात्र हित की बातों कर रहा हूँ। तो देखिए, अब देखिए, अब इन्होंने क्या कर दिया और ये भी कर दिया। ये सबसे गंभीर मुद्दा हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए है, अगर हमने इसको संज्ञान में नहीं लिया तो। ये देखिए, एकल संवर्ग वाले पदों की भर्ती में प्रतीक्षा सूची जरूरी, बाकी में उन्होंने ये देखिए एकल संवर्ग में ये भर्तियाँ वेटिंग लाएंगे, बाकी क्लब एग्जाम में इन्होंने ये देखिए कैबिनेट में एकल पदों पर भर्ती वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया है, लेकिन सिर्फ 25% पे। जो पुरानी नियमावली थी उसमें पूरी हमारी वेटिंग आती थी जितने पद खाली होते थे, और इसमें उन्होंने अब 25% कर दिया है। अब इस पे भी सोचना जरूरी है कि क्लब एग्जाम में इन्होंने जो कि वेटिंग क्यों कर दी इतनी कम। कहाँ जाएंगे उत्तराखंड के युवा, क्या करेंगे? अब जो बच्चा -2 -5 से रुक जाता है, वो अगर 25% ही देंगे तो कहाँ जाएंगे? आपके पास ना रोजगार है, आपका ना उतना उत्तराखंड में विकसित ऐसी कंपनियाँ हैं जो जो रोजगार छात्र कर सकें, और पहाड़ आप लोग बच्चों को ना वेटिंग से भी आप बाहर कर रहे हो। 25% वेटिंग कौन सी वेटिंग होती है, इसमें तो आपको कुछ नहीं होता। हमें ये लड़ाई भी लड़नी है कि हमें हर भर्तियों में पूरी की पूरी वेटिंग लिस्ट चाहिए, तभी जो दोस्तों हमारा आंदोलन सफल बनेगा। और आप जरूर आइए 2 मार्च 2000 जो कि आपको, आप देखिए अब हमें किसके लिए लड़ना है। तीसरा मुद्दा क्या है, आप देखिए ये अखबार ही तक जाएगी, उत्तराखंड में आने वाली भर्तियां APS अपर लोअर, ये देखिए 100 300+ अपर, 150+ लोअर, बाकी 25 F30 FRO हाई कोर्ट सचिवालय में आपकी RO 80 80 RO AR हाई कोर्ट 48 UKSSC में कनिष्ठ आयोग जो कि 500 पद पिछले साल से चिल्ला रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आए। स्टेनो के पदों के लिए, स्केलर की भर्ती के लिए, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए नहीं हूँ, और बाकी सबसे बड़ी भर्ती जो कि LT सहायक भर्ती के लिए, अगर ये 10 मार्च से पहले विज्ञापन नहीं देते हैं तो लगाइए 1 साल ऐसे जाएगा, क्योंकि आचार संहिता में ये ऐसे टोल मलोर करेंगे, ये चुनाव में व्यस्त रहेंगे, कभी कभी ये जो लोकसभा चुनाव के लिए, कभी पंचायती, कभी नगर निकाय चुनाव के लिए, और हमारी भर्तियाँ ऐसी अटकी रही है। आइए जरूर बड़ी भीड़ के साथ। आप देखिए, अब ये बताता हूँ कि पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को अभ्यर्थी राहत, ये ऐसे अखबारों से हमको ठगाते रहेंगे, ये हमको लॉलीपॉप देते रहेंगे, तभी पता चल पाएगा जब आप रैलियों में आएगी और उम्र सीमा आपकी
18 से, जनरल वालों के लिए 28 प्लस ओबीसी एसटी वालों के लिए 18 से 33 होगी, तभी आंदोलन हमारा सफल हो पाएगा। चलिए जी, दूसरा मुद्दा ये, वीडियो छोटी बनाएंगे लेकिन अच्छी बनाएंगे। बाकी ये पटवारी बच्चे, पटवारी स्टेनो कई भरते हैं, जैसे 746 वाला कनिष्ठ सहायक, तभी इन पर वेटिंग आएगी। ये फाइल अभी पटवारी की, ये फाइल अभी पड़ी है देहरादून में, मैंने सुन लिया है कि, मैंने कल पता किया कि ये देहरादून में अभी तक यूकेपीएससी नहीं की है। अगर हमने आंदोलन नहीं किया पटवारी लिस्ट के लिए, वेटिंग के लिए, तो हम 2 मार्च को न वेटिंग आएगी न ये पद आएंगी, ये ऐसे गोल मरोड़ कर देंगे। बाकी वेटिंग आनी है स्टेनो की, वेटिंग आनी है पुरानी 200 पदों पर शायद से। बाकी आपका जो कि 746 वाले में भी आपकी वेटिंग आनी है। आप देखिए, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो देखिए, ये इतने नाम है जो कि पटवारी वाले, लेकिन मैंने स्पेशल वीडियो बनाई। आप देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर रहा है भर्ती की तैयारी, ये लोग झूठी बन हमको जो कि लॉलीपॉप दे रहे हैं तब से। बाकी ये पुलिस कॉन्स्टेबल की वेटिंग कहाँ, 1 हफ्ता हो गया, 2 फरवरी को इन्होंने अनाउंस किया था कि 1 हफ्ते बाद आएंगे, आज आपका 28 मार्च हो गया, न वेटिंग आई न कुछ आई। आप देखिए विशेष मुद्दे क्या आए हमारे, ये देखिए, वो भी पवार जी को जानते होंगे, तो आचार संहिता से पहले वार हो, आखिरी वार हो जाओ तैयार, मांगे मानो वरना कुर्सी छोड़ने के लिए हो जाओ तैयार। ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, पुलिस कॉन्स्टेबल की पहली वेटिंग 387 पदों पर जारी करो, ये देखो 387, जब इन्होंने 1100 प्लस कुछ भर्ती किए हैं, बाकी 387 लोग कहाँ गए, ये भी सोचना के विषय है, ये भी नहीं आए। बाकी ये देखिए, संयुक्त परीक्षाओं के लिए वेटिंग प्रावधान करो, जो संयुक्त परीक्षा है एकाली में नहीं, जो सारी परीक्षाएं सभी विभागों को दी उसमें भी वेटिंग आनी चाहिए, ये देखिए दूसरा मुद्दा। बाकी तीसरा मुद्दा है कि उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती जारी करो, तो देखिए ये भी मुद्दा है। बाकी उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करो, तो ये भी मुद्दा है। बाकी उत्तराखंड टीजी की 2 भर्ती जारी करो, टीजी की होती 2 भर्ती तैयार करो, ये भी मुद्दा है। बाकी हमारा अगला मुद्दा रहेगा कि उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल की उम्र बढ़ाओ, तो ये भी मुद्दा रहेगा। बाकी ये देखिए, UK 333 UK PSC सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्दी के रिजल्ट जारी करें, सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जल्दी से जल्दी 10 मार्च से पहले जारी करें। बाकी ये देखिए, जेई भर्तियों में नकलचियों डिवार किए गए नकलचों को बाहर करो, 10 दिनों के भीतर अनेक विभागों में चयनित सभी अभ्यर्थियों को जो कि ज्वाइनिंग या नियुक्तियां मिले। तो दोस्तों, अगर 10 दिन के अंदर ये नहीं होगा तो सभी आए, ज्वाइनिंग वाले भी आए, जिनका चयन और का वो भी आए, और जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं वो भी आए। अब दिखेगा 2 मार्च को। और ये देखें, निकलो बाहर और जंग लड़ो बेमानों से, 2 मार्च सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड। आप लोग अगर उत्तराखंड के नज़दीक से, देहरादून से नज़दीक, इधर उधर जिले से, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, जो कि कोटद्वार, आप जहीं से भी हो अगर आप आ सकते हो, या आप देहरादून में तैयारी करो, तो बड़ी बड़ी संख्या में भाग लेना है हमको, तभी हमारी मांगे पूरी होगी। बाकी अब बताता हूँ आपको, जो देखिए ये मेरा थंबनेल है, तो देखिए उत्तराखंड में अब 2 मार्च परेड ग्राउंड जरूर आना, नई पुलिस भर्ती के लिए, कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए, PCS भर्ती के लिए, लोअर PCS भर्ती के लिए, LT भर्ती, पटवारी और BDO में से 1 भर्ती आनी है। UK 333 के पास विज्ञापन पहुंच गया है, पटवारी आएगी या BDO आएगी, स्टेनो RO JEE के भी नए पद आए हैं, RTI में पता चला है, नए विज्ञापनों की मांग लिए जो कि 10 मार्च से पहले निकालने, बाकी 2 मार्च को पहुँचना है आपको। बाकी पुलिस वेटिंग, स्टेनो कनिष्ठ सहायक वेटिंग, तब पुरानी वेटिंग वाली व्यवस्था को फिर से लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रैली 2 मार्च को। तो देखिए दोस्तों, जरूर आइए, आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी आपको 2 मार्च को महारैली छात्रों की, जरूर आना, भुला भेजी दीदा दीदी ये जरूर आना, अगर आप भर्ती चाहते हो, वेटिंग चाहते हो, और आचार संहिता से पहले 10 दिन के अंदर से चाहते हो, ज्वाइनिंग चाहते हो, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो जरूर इस भर्ती में भाग दें। और दोस्तों इसी के साथ, क्योंकि अब छात्र एकता के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, बाकी दोस्तों अगर वीडियो इतना शेयर कर देना, सारे ग्रुप में शेयर कर देना, तो दोस्तों हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि जय देवभूमि उत्तराखंड जय भारत। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड जय भारत।